मणिपुर बॉर्डर से भी जो बैरिकेडिंग है पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको हटाया जा रहा है। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। इन रास्तों को लेके कई बार किसानों के संगठनों पर आरोप लग रहे थे कि हमारे पे कोई आरोप नहीं लगने, ना हमने रास्ते रोक रखे, ठीक है, हम भी दिल्ली चलेंगे अपना ताम झाम लेके। अब जब दिल्ली पुलिस इन रास्तों को साफ कर रही है, इन बैरिकेडिंग इन रास्तों से हटा रही है, आना जाना जिससे कि आना जाना शुरू हो सके, पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से या बाहर से चला रहा वो दिल्ली ना गया हो, ठीक है, ना रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ वो आज भी लोग आ जा रहे हैं। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में हम अपना बयान देंगे। नहीं तो इसको आप कैसे हार जीत की तरफ से देखते हैं? कैसे कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कह लगे भाई इन्हें रास्तों में वो कर लो, कोई रास्ते, हम रास्ते रोकने वाले लोग है, ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, जिन किसान की फसल नहीं बिखरी हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है। राकेश जी, ये जो रास्ते रोके गए थे, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इसलिए लगाई गई थी कि किसान दिल्ली के अंदर एंट्री ना करें, अब इनको हटाया जा रहा है, तो अब आप जो आगे का जो आप करेंगे प्लान करेंगे और कहाँ जाएंगे हम, दिल्ली की तरफ आप प्लान करेंगे, बताएंगे क्या करना है पूरा, सब लोग इकट्ठे होकर जब बताएंगे।